बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट जुनैद मुगल, हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत में एक और व्लॉग लेकर। वहाँ पर धूप थी तो छाँव में आ गया हूँ। तो ये पीछे आप लोग मैं देख सकते हो 125 बाइक है। तो दोस्तों आज हमारे इलाके में सीन कुछ ये है ना कि क्योंकि हम लोग एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो एक जंगल है ना इधर आस पास बहुत। तो इधर जो है ना पिग होते हैं ना पिग, तो उनकी सालाना तादाद जब बढ़ जाती है ना काफ़ी, वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं ना साल में। तो फिर साल में एक बार ऐसा दिन आता है कि वापस वाले जो है ना पंजाब से कुत्ते मंगवाते हैं। इतने इतनी उनकी हाइटें होती हैं दोस्तों, सही मतलब सेहतमंद पालतू कुत्ते होते हैं। तो उनको बुलाते हैं और फिर ये जो पिग होते हैं ना दोस्तों, उनकी जो खुराक होती है ना वो आलू होते हैं। इनको आलू बड़े अच्छे लगते हैं तो फिर आलू फेंकते हैं और उसकी खुशबू लेते हुए जब वो लोग सामने आते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, तो ये लोग फिर कुत्तों को बेचते हैं। हमला होता है और फिर फाइट होती है। कभी कभी कुत्ता भी ज़ख्मी हो जाता है, मार जाता है, लेकिन ज़्यादातर पिग ख़त्म हो जाते हैं ना, मार देते हैं, फिर उनको फेंक देते हैं। या जो चाइनीज़ आए होते हैं ना उनका पेट पूजा उनकी करा देते हैं ना। तो आज आए हुए हैं दोस्तों वो लोग। रात को ऐलान भी हुआ था कि आप लोग अपने बच्चे कृपया बच्चे और जानवरों की हिफाजत खुद करें क्योंकि कल पंजाब से कुत्ते आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बाइक इसलिए मैंने सीधी की है, मैंने कहा कि जाते हैं उधर, थोड़ा ख़ुद भी नज़ारे लेते हैं और आप लोगों को भी थोड़ा दिखाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या रूटीन है। और दोस्तों आज तो दुकान पापा ने नहीं खोली क्योंकि पापा की नाइट ड्यूटी है। रात के गया मैं ड्यूटी पे और आज सुबह साथ ही था, उसकी कोई एमरजेंसी थी तो उसकी ड्यूटी पे पापा का आ रहे हैं। तो पापा आएँगे 3-4 बजे घर, फिर आके आराम करेंगे और नाइट दोबारा ड्यूटी पर जाना है, अपनी ड्यूटी करने ना। तो आज तो दुकान नहीं खुलेगी और मुझे वैसे परमिशन है भी है नहीं भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर तभी दुकान खोलता हूँ जब पापा कॉलोनी में हो, तो इसलिए आज आपका भाई भी दुकान नहीं खोलेगा। और चलो दोस्तों फिर चलते हैं हम वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों बाइक आपके भाई ने बाइक निकाल ली है और दोस्तों ज़ोर की अजानें भी हो चुकी हैं और जाते हैं दोस्तों पहले उस तरफ, थोड़ा उधर के नज़ारे लेते हैं दोस्तों कि कितनी आवाम आई है। वैसे दोस्तों हर साल जो है ना 2-3 बसें भर के आती होती हैं और कुछ जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं वो गाड़ियों में 1-1 या 2-2 कुत्ते आते होते हैं। तो जाते हैं दोस्तों, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, मज़ा आएगा। तो चलिए फिर बात होती है आप लोगों से उधर जाके। ओके दोबारा बोल, दोबारा एक बार दोबारा। वाह यार छा गया यार। ये दोस्तों एक बच्चा गुजर रहा था, बहुत प्यारा, इसने फिल्म का डायलॉग बोला कि मुन्ना डरता नहीं है, मुन्ना झगड़ा करता है। ये फिल्म का डायलॉग है। कब देखी है फिल्म तुमने? अच्छी फिल्म थी, हीरो की बॉडी भी होती है ना। हाँ चलो ठीक है यार, अभी तुम YouTube पे आ गए हो जा? बताओ ना मुझे। हाँ नहीं तो ये बताओ ना। ये तो अभी मैं अपलोड करूँगा ना YouTube पे, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। अभी मैं उधर जा रहा हूँ जहाँ पे कुत्ते आए हुए हैं ना आज, पता है? मुझको लेके जा। तुम तो अपनी अम्मी के साथ हो ना। अम्मी के साथ नहीं आ नहीं यार, तुम घूम जाओगे। तुम दोनों भाई आ जाओ ना। मेरा लेके जाओ। दोस्तों अभी देखो ये आए हुए हैं, ये भी कुछ है कुछ, ये भी बहुत काम है, पता नहीं बाकी सारे किधर गए हुए हैं। इनसे थोड़ी बात करते हैं। भाई तुम कितों आए? पता जान नहीं जान शायद। कितनी दूर है? और बाला पताई कला 800 किलोमीटर 600 800 बताया ना। अच्छा लाल भाई है बताया। ये भाई जो है कह रहे हैं हम लोग मुल्तान से आए हैं। तो कितने दिन का टूर है? कोई लगदा भाई असा को कोड़ मार का चलानी है यार, तो छोड़ो या था। आज तीसरा दिन है, आज केड़ा दिन ते ओ तोड़ा कड़ा अब्बल हसन दिया। आज दोस्तों इनका यहां पे आखिरी दिन है और ये मुल्तान के पास इलाका है। उस्ताद जी जंग से आए हो ना? मुल्तान के कोई इलाका है ओ ते वो लगदा है जंग से आए। दोस्तों देखो जैसे कीमती लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं, ये काफी ये देखो मुझे देख रहा है थोड़ी खुराक दसो ना। किला भाई बनना कुत्ते भाई टोंग लिया। खुराक केड़ी पांदे हो तू जा रहा है खाड़ी तू निकले आप बैठे डोला दूध रोटी ये मक्खन अगर हड़तड़ा हिला डा पता मैं पहुंचो तो डाल। तो दोस्तों ये लोग कह रहे हैं कि इन कुत्तों की जो खुराक है वो दूध रोटी और मक्खन और देसी घी की चूरी वगैरह वो इनको खिलाते हैं, तो इसीलिए इनकी सेहत ऐसी है। तो अभी ये भाई सिगरेट ले आता हूँ। अच्छा जी, ये भाई ने पैसे दिए, कह रहे कि मुझे सिगरेट ला दो जाके, तो मैं जाता हूँ इनके लिए सिगरेट लाता हूँ, फिर बात होती है आके। ठीक है, देखो दोस्तों ये सारे अभी भागे उस तरफ। वो देखो एक वो आगे जा रहा है, इसको एकदम कोई खुशबू आ गई है, पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेज भागा है एकदम। उन भाइयों ने कहा था कि सिगरेट ले आओ, तो सिगरेट आपका भाई खरीद लिया। अब यहाँ से वापस जाते हैं, उनको सिगरेट पकड़ाते हैं, और हो सके तो थोड़ी जो कुत्ते जो अभी एक्शन में आए हुए हैं भागे थे ना, तो हो सके तो आप लोग को थोड़ा सीन उनका कैप्चर करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ा मज़ा आता होता है, लेकिन इनसे बच के भी रहना होता है। जब ये रिदम में आए होते हैं ना, फिर ये इंसान जानवर नहीं देखते। तो फिर बात करता हूँ तो जाके आप लोगों से। ठीक है, अभी तार बैग के खोके से मैंने ले लिया सिगरेट। आवाज़ें आप लोग को आ रही होंगी। ये देखो एक और भाग रहा है, उधर कोई शिकार मिला है, उन्होंने महसूस किया, सारे उधर भाग गए एकदम। उस जंगल से निकले हैं, इस जंगल से निकले हैं, और सारे इधर भाग गए दोस्तों एकदम। वो चेक करो यार, अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये तो बहुत तेज़ भागते हैं। वो देखो कुछ उधर से जा रहे हैं, सर मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों सारे जा रहे हैं, वो चेक करो। अगर आप लोग वीडियो में अगर ये कैमरा मेरा दिखा सके, इन लोगों ने देख लिया पिक, चेक करो। ये दोस्तों ये भाई बता रहे हैं कि सुबह एक पिग पे हमला किया मेरे कुत्ते ने, तो वो पिग इतना ताकतवर था कि उसने मेरे कुत्ते को बिल्कुल ज़ख्मी कर दिया। वो मुकाबले का नहीं रहा, तो उसको मैंने पीछे गाड़ी में बांध दिया। तो खैर हमले के लिए गया हूँ मैं कुत्ते। और देखो भी यहाँ से एक और आ रहा है, बड़ा ख़तरनाक माहौल था यार। मैंने तो अपनी बाइक फुटपाथ पर खड़ी की और मुझे लग रहा है कि मेरे गलत जगह खड़ी कर दी है। जब इन लोगों ने भागना तो मेरी मोटरसाइकिल भी नहीं गिरा दी। दोस्तों कोई हंगामी सूरत होती है तो मैं आप लोगों के साथ फिर बात करता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल सारे अंदर जंगलों में गए हुए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में अपने अपने मालिकों का नाम रोशन करके। ठीक है, आगे इधर किधर है, ये झाड़ियों के अंदर नज़र तो सही नहीं आ रहा, आवाज़ें ही आ रही हैं। ये अल्लाह का बच्चा बच्चा दोस्तों, ये तो अपनी जान के लाने पड़ गए। काफ़ी ख़तरनाक मंजर है, ऐसे लग रहा है सारे कुत्ते गंदे हो गए हैं कीचड़ में लग लग के। और वो पकड़ लिया। अच्छा कुछ दोस्तों एक शिकार इन लोगों ने निकाल लिया कोई। वो देखो सारे कुत्ते अब उधर जमे, अब अपनी अपनी खुराक ये लोग जितना जिससे हो सकेगा वो खाएगा। चेक करो यार, इसको भी देख के कुछ हो रहा है, लेकिन इसको नहीं जाने दे रहे वहाँ पे। चेक करो दोस्तों, ये कुत्ता जो है ना भी है सारे वो क्या गया, इसकी जुबान खून से लत पड़ते। मैं भी उड़ने लगा, इसका मुंह दोस्तों अगर आप तो गौर से देखो ना तो बिल्कुल जुबान से लत पड़ते। फिर गाड़ी आ रही है ये दोस्तों। जुबान बिल्कुल दोस्तों खून से लत पत है। और अभी तो एक कुत्ता है और बाकी सारे उधर मसरूफ़ है खाना खाने में। दोस्तों ये लोग एक शिकार से फारिग होकर बिल्कुल आ गए हैं, और अभी अगले शिकार की तरफ भागेंगे एकदम। उस तरफ कह रहे हैं कोई बड़ा सूअर है, उस तरफ कह रहे हैं। चेक करो इसका मुँह बिल्कुल खून से भर गया दोस्तों। गाड़ी पे और आए हैं दोस्तों, और आए हैं गाड़ी पे। अब मजीद ये दोस्तों वो लोग ये आदमी आपस में तस्करा कर रहे हैं। भाईजान कितनी कर चुके हो तुसी जाना फारे 8 से 10 जी अस्वेर दिन अच्छा और टोटल आई हो गया ना 10 नहीं सुनो पर तो पीछे नहीं वो साइड से नहीं थी की तो गई नहीं हो अच्छा आज पहला दिन अच्छा वो कह रहे सन कोई पता नहीं दो कुत्ते तो बंदे भी मरे नहीं बंदे नहीं बंदे दो जख्मी तीन हो गए अच्छा अच्छा जख्मी है YouTube चैनल है हां जी YouTube चैनल किस नाम है हां जी जुनैद व्लॉग्स इतनी नहीं दूर है जी हां इतनी राशि है ये कुत्ता ने तुझे खुराक ही देते हो खुराक ही यार रोटी खाने में दूध और ना कुछ भी तब जिस तरह बंदा आपको पका दे हां वो YouTube चैनल पे आओ जरा आप YouTube पे हां जी थैंक यू सो मच सारे भरावां पहले गल ते कर लो मेहरबानी चलो आगे बढ़ो। तो दोस्तों हमारे भाई के भी लड़के आए हैं देखने के लिए और ये बच्चे भी आए हैं सारा देख लो कितनी आवाम आई है जब मैं पहुंचा तब नहीं कितनी आवाम अली अली हाँ क्या हाल है चांद से थोड़ी देर पहले आते जालिम क्या नज़ारा थे इधर है दर्द दुरुस आजा आना इधर एक ग्राफ पढ़ो मैं क्या चाहते आवाज़ बदल जाओ इसका पैनल खराब है हाँ पैनल खराब मेरे पास भी है ये उसका भी खराब है तो ठीक है दोस्तों फिलहाल सीन कुछ ऐसे हैं फिर आप लोगों से बात करेंगे खैर मौसम क्या हाल है जब एक और दोस्त गुजरे सलाम करके गए सारे देखो अपने अपने काम से छुट्टी करके आए इधर पहुंचे हुए हैं मजे ले रहे हैं इधर के हैं ओए कुछ मारे ने कि नहीं मारे ने ओए मारे जी उधर देख लो पड़े मारे हैं आ फरमाने की हाल है अस्सलाम ये चेक करो दोस्तों दोस्तों मुझे बाइक की टेंशन हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइक नहीं लानी चाहिए थी मुझे पैदल आना चाहिए था ताकि टेंशन फ्री होकर ब्लॉगिंग लेकिन अब थोड़ी टेंशन हो रही है भाई गाड़ियों में आए हैं कुत्ते वाले को मजाक नहीं है इनको हल्के में ना लेना तो अब ये सारे जो है ना दोस्तों उस तरफ जा रहे हैं आगे तो दोस्तों ये देख लो ये सारे अब आगे किसी और इलाके में जा रहे हैं तो दोस्तों आई थिंक दिस इज़ इनफ हमारे लिए इतना ही था कि आप लोग को बता सकें तो जी हाँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग को मंज़र दिखाने में और इनके बारे में कुछ डिटेल बताने में कामयाब रहा हूँगा तो दोस्तों अब आगे चलते हैं देखते हैं आगे का हमारा क्या प्लान है इस वक्त दोपहर के दोस्तों 2:10 हो रहे हैं ये लोग आगे अपनी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं मंजिल की तरफ जा रहे हैं और ये बच्चा फिर आगे हाँ जी की मैं घर जा रहा हूँ जाना है तुम्हारा छोटा भाई किधर है वो चला गया चलो ठीक है चलो दोस्तों अब हम दोनों जाते हैं अपने अपने घर फिर आप लोगों से किसी और सीन में मुलाकात होती है और डायलॉग एक बार फिर मार यार वही वाला अच्छा मार दिया दोस्तों इसने डायलॉग ठीक है तो दोस्तों बाइक अभी बाहर खड़ी कर दी हमने ठीक है तो अभी दोस्तों जो कल वाला जो व्लॉग था ना असल में सीन कुछ ऐसा हुआ कि रात को तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो खाना शाना खा के पिरिटोन की गोली खा के उसमें गलूदगी होती है तो वो आपका भाई खा के सो जैसे ही लेटा तो मेरी आदत है मैं थोड़ी देर लेटता होता हूँ हल्की सी आंख लगा के फिर उठता होता हूँ फिर एडिट करता होता हूँ ना एडिट करता होता हूँ मैं वीडियो भाई क्या हाल है ठीक है ठीक मैं अकेला YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये भाई हैं बहुत अच्छे भाई हैं पूछे थे क्या खा रहे हो मैंने बताया YouTube के लिए व्लॉग बना रहा हूँ ना कहते अच्छे चलो बनाओ तो हाँ मैं आप लोग को बताया था दोस्तों कि रात को मैं मेरी आदत है मैं हल्की सी आंख लगा के फिर उठता होता हूँ फिर ताकि व्लॉग एडिट करूँ तो रात को मैं उसी नियत से दोबारा लेटा कि थोड़ा सा आंख लगाऊंगा और फिर उठ के व्लॉग एडिट करूँगा तो भाई वो तबीयत इतनी ख़राब थी गनूदगी का नशा इतना गहरा था कि जब आँख खुली तो सुबह के 8 बजे हुए थे तो बल्कि 8 भी नहीं 10 बजे हुए थे हाँ बिल्कुल 10 बजे हुए थे सुबह के ना काफ़ी गहरी नींद काफ़ी लंबी नींद आपका भाई सोया फिर सो के उठा नाश्ता वगैरह किया तो 11 बज चुके हुए थे तो व्लॉग की टेंशन थी तो मैंने व्लॉग एडिट किया व्लॉग एडिट मैंने जब किया तो 2 मिनट कम 12 का टाइम था ठीक है तो उस टाइम मैंने फिर व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया व्लॉग जब अपलोडिंग पे लगाया तो फिर ये आप लोगों के साथ नया व्लॉग मैंने शुरू कर दिया तो अब घर जाता हूँ देखता हूँ व्लॉग अगर अपलोड हो गया तो उसको टाइटल वगैरह उसका रख के थंबनेल वगैरह रख के उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों पिछला व्लॉग भी आप लोगों तक पहुंचाना जो है ना बड़ी एक टेंशन की बात होती है। अगर वो आप लोगों तक ना पहुंचाओ, मैं अगला व्लॉग शुरू कर लूँ तो एक टेंशन ही रहती है यार, पता नहीं पिछला व्लॉग हुआ भी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो खैर यही बात आप लोगों के साथ जिक्र करनी थी, तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से बाद में किसी और सीन में, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं अंदर आया हूँ व्लॉग को देखने के लिए कितना अपलोड हुआ है। तो दोस्तों ये व्लॉग है 826 MB का, तो जिसमें से 612 MB अपलोड हो गया ना, तो जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 80% तकरीबन ये अपलोड हो गया। पीछे 75% हो गया, तो पीछे 25% आ गया। तो ये ऑलमोस्ट अगले आधे घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कैमरा पकड़ के बाहर जाऊँ, थोड़ी व्लॉग के लिए थोड़ी शशके वाली वीडियो बनाऊँ ना, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। अभी इस व्लॉग का थंबनेल भी बनाना है, वो भी सोच रहा हूँ, वो भी बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही अपडेट करना था कि 75% हो गया व्लॉग अपलोड। पापा आए ड्यूटी से, बाइक उन्होंने अभी अंदर ही खड़ी की थी कि इतने में अम्मी कहती हैं कि समोसे खाने का दिल कर रहा है, जाओ समोसे लाओ। तो इस वक्त समोसे कॉलोनी की तो किसी दुकान में नहीं होंगे, तो फिर भी मैं चेक कर लूँगा, लेकिन नहीं होंगे ना, तो हो सकता है टोपी जाना पड़े, वहाँ से अब समोसे लाएगा आपको भाई, ठीक है, 70 पे जाके। तो चलिए फिर जाते हैं और लाते हैं समोसे। ये नया ले लिया अंकल, हाँ तरक्की है। बड़ा तो सर्दियों में इतना पानी इस्तेमाल नहीं होता, मैं छोटा अभी बड़ा लाया। तो दोस्तों इस वक्त असर की अजानें हो रही हैं और समोसा आपके भाई ने अभी तक नहीं खाया, अंदर ही पड़ा हुआ है। मैं अपने लिए सिर्फ एक समोसा लाया था, मैंने कहा शायद दिल कर रहा है, लेकिन नहीं दिल किया, तो इसलिए आपके भाई ने समोसा नहीं खाया। और ठीक, तो अभी असर की अज़ान हो रही है, मैं जा रहा हूँ दोस्तों असर की नमाज़ पढ़ने, और क्या कहते हैं समोसा नहीं खाया। और हाँ दोस्तों आज मैं बड़ा वो था कि यार अभी टोपी जाना पड़ेगा समोसे लाने के लिए, लेकिन शुक्र है आपके भाई की किस्मत अच्छी थी, आज नज़ीर अंकल ने जल्दी दुकान खोल ली थी और समोसे आपके भाई को कॉलोनी से ही मिल गए। तो ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं असर की नमाज़ पढ़ने, फिर उसके बाद आप लोग सर गप लगाता हूँ, ठीक है। अभी 70 बाइक पीछे ये पापा लेकर जा रहे हैं, और ये बड़ी बाइक जो है ना ये मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जाते हैं नमाज़ पढ़ने। पापा ड्यूटी से आए हैं, थोड़ी देर उन्होंने आराम कर लिया, तो अब वो कहते हैं यार दुकान का भी चक्कर लगा लें, दुकान रोज़ खोलने से बरकत होती है। मैंने कहा जी बात तो आपकी सही है, तो वही जा रहे हैं दुकान पे, मैं जा रहा हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, क्या पता मेरा भी चक्कर लग जाए। लेकिन इस वक्त वो उनके दोस्त आए होते हैं और गपशप ही लगती है वहाँ पर। दोस्तों नमाज़ खड़ी है और आपका भैया फटाफट नमाज़ पढ़ेगा, देख लो नमाज़ खड़ी है। तो दोस्तों अभी नमाज़ पढ़ के मैं निकला जैसे ही, तो जो बड़े कारी साहब हैं हमारे बहुत दिन कारी साहब ना, वो कह रहे थे बच्चे अगर आप फारिग हो तो मुझे घर तक छोड़ोगे। मैंने कहा जी उस्ताद जी क्यों नहीं। तो ये अभी पीछे उनका घर है, तो इधर उनको मैंने उतार दिया और अभी बस मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, ठीक है। फिर आगे आप लोगों को बताता हूँ। माशाल्लाह चेक करो कितना प्यारा प्लाट है उस्ताद जी का। तो अभी हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मैं और अयान वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मेरे 6 पॉइंट इसके 1 पॉइंट है, काफ़ी ज़बरदस्त मैच जा रहा है हमारा चल। तो दोस्तों नमाज़ पढ़ के मैं वापस आ रहा था, तो इतने में वो दोस्त है अयान वो मिल गया ना, कहता है कि यार कोई है नहीं गेम खेलने के लिए, अगर तुम आओ गेम खेलते हैं ना। मैंने कहा चलो सही है, तो मैं खेलने गया, पहले हमने स्टोर लगाई हल्की सी, कहते चलो हम मैच लगाते हैं। मैंने कहा सही है, मैच लगाया दोस्तों। तो 10 पे जीत थी ना, तो 9 पे जब अप हो गया ना, तो तब तक उसका सिर्फ 1 पॉइंट था और मेरा अप हो गया हुआ था, लेकिन एकदम से उसने 4 पॉइंट हेड के ऊपर कर दिया, फिर सर्विस चेंज हुई और फिर आपके भाई ने मैच जीत लिया, ठीक है ना। तो मज़ा आया काफ़ी। तो बस फिर मैं वही एक मैच खेल कर आ गया, और अभी देखते हैं फिर आगे क्या करना है, ठीक है ना। फ़हीम को दोस्त खड़ा था, फ़हीम उसको सलाम किया, हैरान होकर देखने लगे एकदम ये क्या कर रहे हो तुम ना। तो वो काफ़ी कैमरा शाय है, इसलिए मैं उसको कैमरा में नहीं लाया। तो दोस्तों अभी वैसे ही घूमते घर में गया था, तो मज़ा नहीं आया। मैंने कहा चलो दरिया का ज़रा चक्कर लगा लेते हैं। तो दरिया का चक्कर लगाने आया, तो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त खड़े थे, उनके साथ गपशप लगने लग गई। तो उनके साथ गप लगाने का दोस्तों इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि फिर होश ही नहीं रहती बंदा व्लॉग बनाए। तो बस उनके साथ गपशप लग रही थी, अभी हो गई है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूँ कि दरिया आया हूँ। तो बस कोई बैठने नहीं आया, वैसे ही बाइक लेकर आया था, इधर सब चक्कर मार के बस वापस जाऊँगा घर की तरफ। तो दोस्तों ये अभी डेकोरेशन सेंटर एक जगह है हमारी कॉलोनी में, इधर ये बैडमिंटन लड़के शाम को खेलते हैं इस बिल्डिंग में ना। तो इधर मैं आया हूँ। और दोस्तों इस वक्त शाम के टाइम एलर्जी फिर ज़रा तेज़ हो जाती है, इसलिए मेरी तबीयत अभी ज़रा फिर ख़राब हो रही है, आवाज़ वज़नी हो रही है। तो जाता हूँ इधर अंदर के भी थोड़े देखता हूँ लड़के क्या कर रहे हैं। बैडमिंटन तो खेल रहे होंगे लेकिन मज़ा आता है इनको देखने का ना, तो फिर हो सका तो मुमकिन, क्योंकि यहाँ पर ज़रा मैं कैमरा शाय हो जाता हूँ ना, तो फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करूँगा कि अंदर जाके कुछ आप लोग को दिखाने की। ठीक है, check the mic and make sure it sound right boys। आपका भाई इधर बैठा हुआ मैच एंजॉय कर रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। इस सोफे में बैठा हूं ऐसे कुछ तो ये अभी तारिक शाह का बहुत अच्छा कह रहे हैं कि इसकी वीडियो बनाओ कि गेम भी खेलता है और आगे से गुस्सा भी करता है। ये जो हमारा दोस्त है ना गुस्से का काफ़ी तेज़ है, तो ये बैठा हुआ है। मैं भी आपका भाई भी बैठा हुआ जैसे गेम एंजॉय कर रहा हूँ। तो बस फिर मिलते हैं किसी सीन में आपको। तो दोस्तों मैं बैठा हुआ था तो एक सीनियर प्लेयर आया मेरे पास और कहता है यार अगर तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम पानी ला दो। मैंने कहा जी सर क्यों नहीं, आपके और हम माने ना बात। तो अब भाई के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। तो इधर नलका लगा हुआ है, ये रहा नलका, वीडियो में नज़र आ रहा है। सबर ठहरो, बस मगरिब के जाने भी शुरू हो रही है दोस्तों, मैं भी थोड़ी देर में निकलता हूँ। ये देखो दोस्तों ये नलका लगा हुआ है, अब आपका भाई यहाँ से पानी भरेगा। ठीक है, मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, अंधेरा हो गया है। ठीक है, तो मैं अभी तक उधर ही बैठा हुआ था, गेम देख रहा था लड़कों की। तो आखिर में बस उठ पड़ा और एक दोस्त कहता है मुझे घर छोड़ देना, उसको भी घर छोड़ा और आपका भाई खुद भी घर आ गया। तो दिन ख़त्म हुआ और व्लॉग भी हमारा ख़त्म होने का टाइम आ गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छा कमेंट भी कर देना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। और बस इसी के साथ अपने होस्ट जुनैद मुगल को दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट अच्छी वीडियो में इंशाल्लाह कल के नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपने होस्ट जुनैद मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।